पूरब से लेकर दक्षिण तक देश का राज्य अलग है, लेकिन संगठन वही पीएफआई है और उस पर आरोप भी वही देश विरोधी काम में लगे होने के। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनीस अहमद साहब, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर आने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि पीएफआई को लेकर जिस तरीके के विवाद और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले शुक्रिया हमें चैनल में इनविटेशन देने के लिए। दूसरा चीज़, अगर आपने जो इल्ज़ामात के बारे में लगाया, और आप मीडिया के लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इल्ज़ामात कोई आज या कल से नहीं आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे 2016-17 से आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आ रहे थे, और इस तरीके से एक इमेज प्रेजेंट किया जा रहा था कि इंडिया का एक बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ा एक इस तरीके टेरर लिंक ऑर्गेनाइजेशन है। और 2016 में अगर आप लोग जानते होंगे कि यहाँ तक बात आई थी कि कल पॉपुलर फ्रंट बैन होने वाला है, और आज 2022 में हम आपके सामने बैठे हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी ऐसे इश्यूज होते हैं वहाँ पर आप देखते हैं इमीडिएट एक कंक्लूजन पर पहुँचा जाता है कि इसके पीछे पीएफआई है। मैं एग्जाम्पल्स बताता हूँ। अभी हाल ही में रामनवमी इशू के वक्त आपको पता होगा बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने कहा था कि खरौली में पीएफआई है। क्या हुआ? वहाँ के एसपी ने कहा नो पीएफआई लिंक। खरगोन में बीजेपी के लीडर्स ने कहा और चंद मीडिया हाउसेज ने भी कहा कि खरगोन में भी पीएफआई लिंक है। क्या हुआ वहाँ पर? कोई भी पीएफआई इशू सामने नहीं आया।